ग्राउंड कैसा अभी? बढ़िया, एक नंबर। ग्राउंड एक नंबर है उदयपुर भर्ती का जैसा के जैसा सेम सेम जमा है क्या? हाँ। बदरी डाल के? हाँ। गुड मॉर्निंग भाइयों। भाई आज हम लोग जोधपुर जंक्शन से अभी आपको लेके चलेंगे जहाँ पे आर्मी की रैली भर्ती होने वाली है। ग्राउंड में कितनी दूरी है यहाँ से? ऑलमोस्ट 5.5 किलोमीटर की दूरी है। आप पैदल भी जा सकते हो और यहाँ से जाने का तरीका एक साधन यही है कि आप ऑटो से जाएं या फिर बस से जाएं। एयरफोर्स स्टेशन जो एयरपोर्ट रोड है मेन गेट है और उस ग्राउंड के नज़दीकी व्यास कॉलोनी है। आप या तो एयरफोर्स स्टेशन मेन गेट ऑटो वाले को बोले, वो वहाँ पे ड्रॉप कर देगा। यहाँ से 5.5 किलोमीटर ऑलमोस्ट है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे पहुँचने के बाद में एरिया कैसा है और वहाँ पे कहाँ पे आपको रहने की जगह हो सकती है। काफ़ी डिफिकल्ट है, जो बच्चे बाहर रहेंगे उनको ऑटो के किराए भी ऑलमोस्ट 150 रुपये से 200 रुपये तक आपसे वसूल किए जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर 5-6 लोग हो तो 150 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं देने। ये अभी हमने स्टार्ट कर दिया है, हालांकि मैं तो कार लेके आया हूँ। और वहाँ पे बच्चों की ठहरने की व्यवस्था किस तरह से होगी, कहाँ पे होगी, वो चीज़ मैं बता दूँ ताकि आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और कहाँ पे ग्राउंड है, कहाँ से एंट्रेंस होना है आपका ग्राउंड का, वहाँ पे कौन कौन सा लोकेशन है, पुलिस भी बहुत ज़्यादा खड़ी रहेगी, आपको इधर उधर भटकने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आपको स्टेशन से जो 2 नंबर बस आती है वो ड्रॉप करेगी। पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे देख रहे हो एयरफोर्स स्टेशन का मेन गेट है। यहाँ पे आपको 2 नंबर जो बस आती है वो ड्रॉप करेगी। ये है व्यास कॉलोनी। व्यास कॉलोनी के उस तरफ पीछे एक तरफ आपका जो भट्टी का ग्राउंड है वहीं पे आपको जाना है। इस एरिया के अंदर रहने की जगह केवल यहाँ पे व्यास कॉलोनी के अंदर, इसके अलावा रहने की आपको कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे काफ़ी फैमिली रहती है, घर है, बने हुए मकान है। इस तरफ पूरा एयरफोर्स एरिया है, उस तरफ भी पूरा एयरपोर्ट एरिया है। पीछे आपको जाने को नहीं मिलेगा ग्राउंड के। और ये कॉलोनी में घर है, यहाँ पे आपको रूम मिल सकते हैं या फिर रहने के लिए। वैसे इंडिविजुअल रूम नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे रूम मिलेंगे, 200-300 रुपये आपके खर्चा होने वाला है। तो आपको ये एड्रेस याद रखना है, व्यास कॉलोनी में आना है। ऑटो वाले को ये चीज़ बतानी है कि व्यास कॉलोनी हमें ड्रॉप करें, एयरफोर्स की मेन गेट है, वहाँ पे आपको ड्रॉप करना है। तो यहाँ से 200 मीटर दूर आपका जो ग्राउंड है उसकी मेन गेट है, जहाँ से आपकी एंट्री होने वाली है। वो एक ही गेट है जहाँ से आपकी एंट्री और आपको वहाँ से एग्जिट किया जाएगा। जैसे ही मेन गेट जो एयरफोर्स का मेन गेट है वहाँ से आप 50 मीटर आगे चलेंगे, लेफ्ट में आपको टर्न मारना है। लेफ्ट में मुड़ेंगे तो ये सीधा मेन गेट वाला रोड है जहाँ से आपको एंट्री होने वाली है। काफी बच्चे घूम रहे हैं। इसके इस तरफ ये पूरी कॉलोनी है, लेफ्ट साइड में ये एक कॉलोनी जहाँ पे आप रह सकते हो। इस तरफ भी पूरा बैरियर है और दीवारें ऊंची ऊंची हैं, चारों तरफ कांटे की तार लगे हुए हैं। ये जो आपका एरिया है ये भर्ती ग्राउंड का एरिया है। आप देख रहे हो सामने, ये पूरा भर्ती ग्राउंड का एरिया है। अब ये आपको मेन गेट दिख जाएगी, वहां पे फौजी भाई खड़े हैं जो एंट्री नहीं होने देंगे, ना ही अंदर घुस के देखने देंगे। ये आपकी मेन गेट की पोस्ट है, वो सामने देख रहे हो ये टेंट। ये आपकी मेन गेट की एंट्री पोस्ट है जहाँ पे आपको एंट्री होना है, यहीं से आप एंट्री हो पाओगे और इससे आगे आपको सीधा भर्ती ग्राउंड में दाखिल किया जाएगा। दूसरी तरफ ये एरिया है, ये ओपन एरिया है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ ऊंची ऊंची दीवार है। यहाँ पे आपको किसी हालत में रहने की जगह नहीं मिलेगी, केवल आप पैदल आ सकते हो अगर घूम के आते हो तो। इस चीज़ का स्पेशली ख्याल रखें।
इस तरह पूरा फौजी फौज है, पूरा आर्मी का एरिया है, एयरफोर्स का एरिया है और मिलिट्री यहाँ पे रुकी है ना, तो यहाँ पे आपको भटकने दिया जाएगा और यहाँ पे पुलिस खड़ी रहेगी पूरी की पूरी। ये आपका रैन बसेरा बन रहा है बच्चों की एंट्री के लिए, जो मेन गेट है, मेन गेट के बिल्कुल सामने 50 मीटर और आगे रोड की तरफ आगे बढ़ोगे यहाँ पे रैन बसेरा बनेगा। या देखो सामियाना लग रहा है, बच्चों के लिए टेंट वगैरह लग रहे हैं, यहीं से आपकी एंट्री होने वाली है इसी गेट से। दूसरी तरफ से बैरियर लगा के ब्लॉक कर दिया जाएगा और पुलिस खड़ी रहेगी, इसलिए ये मेन गेट है आपकी एंट्रेंस वाली। रैन बसेरे से आपको एंट्री होने के बाद में सीधे सीधे जैसे चलोगे 200 मीटर पे मेन गेट है वो सामने। अंदर अभी भी ट्रेनिंग चल रही है एयरफोर्स वालों की, ये पूरा एयरफोर्स एरिया है। वो सामने आपकी मेन गेट है जहां पे आर्मी का टेंट लगा हुआ है, वहीं से आपको एंट्री मिलेगी। और ग्राउंड बहुत जबरदस्त बना दिया गया है। जितने भी भाई लोग वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने उदयपुर भर्ती अटेंड की है, ये दूसरी तरफ है जहां को आपको रहने की व्यवस्था हो सकती है। जितने भाई लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, उदयपुर जो भर्ती का ग्राउंड था सेम वैसा का वैसा ग्राउंड बना दिया गया है। ग्राउंड बहुत अच्छा है, बजरी हल्की हल्की बजरी डाल के और मिट्टी मिक्स करके रोलर के द्वारा और पानी वगैरह छिड़क के प्रॉपर ग्राउंड को जमाया गया है। ये एरिया है जहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था हो सकती है, इसके अलावा आपको रहने की जगह नहीं मिलेगी। इस एरिया के अंदर आपको रूम मिल जाएंगे छोटे छोटे और सोने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, हो सके तो अपने साथ में कम्बल वगैरह लेके आएँ ताकि आपको सोने की व्यवस्था हो जाए और ओढ़ने के लिए। ज़्यादा ठंडी नहीं है अभी, लेकिन रात को ठंड लगती है यहाँ पे। ये पूरा एरिया है जहाँ पे हम रह सकते हैं इन रूमों के अंदर। ये देखो, ये गाँव के भाई हैं जो पिछले काफ़ी दिनों से रूम लेके रह रहे हैं। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया। कितने दिनों से रह रहे हो यहाँ पे? एक महीने से। ग्राउंड कैसा अभी? बढ़िया, एक नंबर। ग्राउंड एक नंबर है उदयपुर भर्ती का, जैसा के जैसा सेम। सेम। जमाया क्या? हाँ। बजरी डाल के? हाँ। बजरी है मिट्टी? बजरी और मिट्टी दोनों मिक्स है। है ना, तो आराम से 5 मिनट लग सकती है आराम से। जिन बच्चों का गांव में तैयारी में टाइम 5:15, 5:20 आ रहा था, उनका क्या है? उनका 5 मिनट आ जाएगा आराम। आ जाएगा ना। चलो भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।